पार्थ भूषण आशू नू केंद्रीय जेल दे विच मिलन दे लई राजा वड़िंग पहुंचे ने। राजा वड़िंग ने परनीत कौर ते इस मौके निशाने भी साधे। परनीत कौर ने रोजाना कांग्रेस नू कमजोर करने की कोशिश की है, ये कहते हुए राजा वड़िंग जो ने वो नजर बीजेपी दे वल्लों जिमनी चोणां लड़न परनीत कौर तां असी अपना उम्मीदवार खड़ा करांगे। ये भी राजा वड़िंग ने कहा है कि जेकर परनीत कौर जिमनी चोणां बीजेपी दे वल्लों लड़दे ने तो उन्होंने विरोध विच कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जिमनी चोणां तो बाद परनीत कौर नूं पता लग जाएगा कि किन्ने लोग उन्होंने प्यार करते हैं। राजा वड़िंग का यह बयान सामने आया। गौरतलब है कि भारत भूषण आशू के नाल मुलाकात तो बाद बयान देंदे राजा वड़िंग। नजर चंगा हुंदा सरदारनी परनीत कौर जी मैडम साढ़े आप दी आप छड़ के जांदे पार्टी जी। जिस तरह उन्होंने बीजेपी की कमान इलेक्शन दे विच संभाली और रोजाना कांग्रेस नू कमजोर करने वास्ते कोई कसर पटियाला च नहीं छड्डी। बीजेपी दे चोण निशान ते लड़ांगी ते जिहड़ी ताकत है पता लग जांदी। हुण जिहड़ी बीजेपी कह रही है तुसीं कहिंदे वी कांग्रेस नू घाटा है, मैं इह कहिंदा कि सानूं घाटा है तुहानूं फायदा है। मैडम नू बाय इलेक्शन लड़ाओ, मैडम नू बीजेपी दा कमल दा फुल दे दिओ, असीं कोई आपदा व्यक्ति लड़ावांगे, पता लग जूगा वी बीजेपी नू घाटा है कि कांग्रेस नू फायदा होया, जनता नू पता लग जूगा। हरदयाल कंबोज राजपुरा साबका विधायक के घर पहुंचते ने, हाल चाल जानने तो बाद मीडिया मुताखिल होते कहते ने कि परनीत कौर नूं खुद अस्तीफा दे देना चाहिदा सीगा, क्योंकि लगातार उह कांग्रेस नूं पटियाला च कमजोर कर रहे सी तां बीजेपी नूं फायदा पहुंचा रहे सी। क्योंकि अगर पिछले इलेक्शन की गल की जाए तो परनीत कौर मैंबर पार्लीमेंट कांग्रेस दी सी, लेकिन जिहड़ी सपोर्ट करनी चाहीदी सी विधायकां दी कंपेनिंग दे विच उह नहीं की गई, तां खुल्लम खुल्ला अपने पति दे हक दे विच बीजेपी दे विच ज्यादा प्रचार करते हुए जो वो दिखाई दिते। सो लगातार जदों भी पटियाले आउंदे सी तां राजा वड़िंग नूं जरूर मीडिया वाले एक सवाल पूछदे सी वी आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई करते मैंबर परनीत कौर दे उपर अगर उहदियां गतिविधियां कांग्रेस दे खिलाफ ने। तां उन्होंने बयान भी दिता सी कि जल्द असीं बाहर जिहड़ा हैगा दा रस्ता दिखावांगे परनीत कौर नूं। तां परनीत कौर ने भी पुलट जवाब दिता सी कि राजा वड़िंग कोल अधिकार कोई है नहीं कि उह मैनूं पार्टी चों बाहर कढ के दिखावे। सो कितना किते कल काफी तड़क जिहड़े हैगे आ राजा वड़िंग दे दिखाई दिते आ कि चैलेंज करदे सी, तां दूजा खुद जिहड़े कांग्रेसी लीडर सी छोटे लीडर सीगे उन्हां दी जिहड़ी हैगे आ अपने नाल जिहड़ा हैगा बीजेपी दा माइंड सैटअप कर रहे सी, तां दूजा कमजोर भी कर रहे सी कांग्रेस नूं पटियाला आस पास दे इलाके दे। सो जिस नूं लै के हाईकमांड ने फैसला किया। सो हुण देखना यह होगा कि परनीत कौर का की जवाब होगा, क्योंकि तीन दिनों के अंदर अंदर जवाब देना। हालांकि अभी कल परनीत कौर के मीडिया जी टीम उन्होंने गलबात की, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे कोई भी इस तरह की नोटिस नहीं आया। जो नोटिस तो बाद हुण किदां दा जवाब या किदां दी अगों परनीत कौर का जिहड़ा रस्ता इख्तियार करेगी यह देखना होगा। तो नाल चैलेंज भी कर दिता राजा वड़िंग ने कि खुद बीजेपी की जिहड़ी हैगी है टिकट तो लड़े, तो असी कांग्रेस का ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। जी बलिंदर, जिहड़ा तीन दिन का नोटिस तो जवाब मंगया गया है नोटिस जारी करके, जेकर इन्हां तिना दिनों दे विच परनीत कौर जवाब दायर नहीं करते तो फिर भी उन्होंने पार्टी चो बाहर का रस्ता दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लगातार ये पहली बार नहीं है, इस तो पिछली बार भी एक नोटिस जारी किया हाई कमान ने कि तुसी तुहाडियां पार्टी के खिलाफ गतिविधियां ने उसके बारे कारण दसो। तो लगता सी कि अगर परनीत कौर वालों कोई भी जवाब फिलहाल दायर नहीं किया गया सी तां थोड़ी जी जिहड़ी हाई कमांड है परनीत कौर के जिहड़े खिलाफ थोड़ा जिहा मतलब कि नहीं कोई भी कदम उठाना चाहते थे क्योंकि मैंबर पार्लीमेंट आ। लेकिन लगातार हुण अगर गल की जाए राहुल गांधी की इस
बार जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा दे विच वी परनीत कौर किते दिखाई नहीं दित्ती, तां जदों वी राजा वड़िंग पटियाले आउंदे ने कोई भी उन्होंने आस पास या उन्होंने मिलने की कोई कोशिश नहीं की जाती। हालांकि बीजेपी की एक रैली होंगी है जिसे फिलहाल पोस्टपोन होगी, लेकिन अमित शाह ने आना सीगा तो उसके लिए काफी तैयारियां परनीत कौर वालों करती हुई दिखाई दी जा रही। सो कुल मिला के अगर गल की जाए तो सारिया पार्टी ने गतिविधियों देखते हुए जरूर हाईकमान ने जरा नोटिस भेजा है। नोटिस अगर नहीं तीन दिन के जवाब दिता तो लगता है कि हाईकमान ने हूं फैसला कर ही लिया कि आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया, तो लगता है कि पार्टी के बाहर कढ़ने की पूरी कवायद जी है पार्टी वालों की जा रही है। सो लेकिन अगर कोई जवाब ढंग में या कोई इस तरह का परनीत कौर वालों दिता जाता तो शायद कोई होर मोड़ जरूर आ सकता, लेकिन फिलहाल हाईकमान के नाल नाल जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जी पूरी है वो हूँ परनीत कौर के खिलाफ चलती है। लगता कि आने वाले समय के हूँ जो है परनीत कौर की आर पार की जी है लड़ाई हो सकती है जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।